Very, very good evening, Karthik Srivastav. हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. जैसा आप अपने सामने, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व क्लास टू, और इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं. ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ही यही होता है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसका ऑर्डर दे सकते हो, आप उसका रैंक रख सकते हो. तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच. और कार्डिनल अप्रोच जो कि इससे पहले हमने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ा है उसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं. इसको हम काउंटेबल है, जिसमें कि हम सेटिस्फेक्शन लेवल को यूटिल्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन को हम काउंट कर रहे थे, तो वो कार्डिनल अप्रोच था. और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को हम सिर्फ रैंक देंगे इंडिफरेंस कर्व में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच. तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि कई बार जो है आपका इंडिफरेंस कर्व ना बोल करके आपको ऑर्डिनल अप्रोच, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं. ठीक है जी, तो आइए जो अभी तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है फटाफट उसको जरा पहले सुन लेते हैं. लास्ट क्लास में एक हमने सबसे पहले ये समझा कि हर चीज की इक्वल इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रहती है. वो चीज़ जो हमारे लिए रेयर है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, और जो चीज़ हमारे पास में ज़्यादा अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस कम रहती है. फिर यहीं से हमने एक बात और समझा कि हमें यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को लेकर करके इंडिफरेंस रहना है, मतलब कि सेटिस्फेक्शन हमें अपना सेम रखना है, समान रखना है, संतुष्टि का स्तर एक समान रखना है, सेटिस्फेक्शन इक्वल रखना है. तो और हमें यहाँ पर कंपल्सरी कंडीशन डाल दिया था मैंने कि आपको दो कमोडिटी का कंजम्पशन भी करना है, दो कम्युनिटी होने ही चाहिए. और इसके साथ में हमने अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करा था कि आपको दो कम्युनिटी का कंजम्पशन करना है, और इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन का आप सिलेक्शन करें, लेकिन ध्यान रखना है आपको हर कॉम्बिनेशन पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहना चाहिए. तो यहां पर एक चीज आपने ही आगे से खुद आपने कहा कि सर अगर आप एक चीज एक कम्युनिटी का कंजम्पशन अगर आप बढ़ाओगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखने के लिए फिर दूसरी कमोडिटी का आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से अगर गेन होगा और दूसरी तरफ से सेक्रीफाइस होगा तभी जाकर के मामला बराबर पे जाकर के टिकेगा. तो ये तो आपने सबसे पहले मेरे समझाने से पहले ये बात आप समझ चुके थे और आपने मुझे कह दिया था अगर बात सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने की है तो एक गेन करेंगे दूसरा सेक्रीफाइस होगा, ये बात तो आपने पहले ही मेरे सामने रख दी थी. देखिए यहां पर बारीकी से समझने पर हमें ये पता लगा कि एक गेन करने पर हमें ठीक उतना ही सेक्रीफाइस नहीं करना है. अगर हम एक गेन कर रहे हैं और खासकर अगर हम उसको गेन कर रहे हैं जो हमारे पास में रेयर है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमें ज्यादा रहेगा, और जो ज्यादा है अगर हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर देने से सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलता है वो हमें कम मिलता है, और जो हम गेन कर रहे हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है. तो इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए ये हमारे लिए जरूरी हो गया था कि जितना हम गेन कर रहे हैं उतना ही हम सेक्रीफाइस भी करें. तो अगर एक एप्पल से सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है और एक बनाना सेटिस्फेक्शन लेवल कम देता है तो हमें उतना ही सेक्रीफाइस करने के लिए ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले तो आपको यह बात समझ में आई कि एक एप्पल के बदले एक बनाना सेक्रीफाइस करने से बात नहीं बनेगी, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा. उसके बाद हमने यहां पर यह समझा
ये क्लियर होने के बाद आगे चल करके आपको एक बात और पता लगी कि इस बार एक के लिए जितना हमने सेक्रीफाइस किया है, नेक्स्ट टाइम इतने ही एक के लिए हमें इतना सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं है, इससे कम सेक्रीफाइस करने की नीड है। क्यों? क्योंकि अब मैंने दोबारा से कंजम्पशन उस यूनिट का करा, एप्पल का करा, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मुझे पहले से कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम बनाए रखने के लिए जितना मेरे पास में आएगा उतना ही अगर जाएगा तभी बराबर रहेगा सेटिस्फेक्शन लेवल। जब पहले से कम आया तो पहले से कम ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैंने बनाना 5 आना सेक्रीफाइस कर करके मैंने 4 बनाना सेक्रीफाइस किया था। और इस तरीके से हमारा जो सेक्रीफाइजिंग रेट है, जिसको हम एमआरएस भी बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली फॉल होता चला गया। और यहां से फिर हमने एक कर्व भी ड्रॉ करा दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर करके, और हर पॉइंट पर अगर आप जाएं, हर कॉम्बिनेशन पे जाएं, तो अगर एक गेन कर रहे हो दूसरा सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, फिर एक गेन कर रहे हो दूसरा सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, लेकिन सेक्रीफाइस आप उसी अकॉर्डिंग कर रहे हो जिस अकॉर्डिंग आप गेन कर रहे हो। इसलिए हर एक पॉइंट इंडिफरेंस कर्व का आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को इंडिफरेंस रख रहा था, इसलिए उस कर्व को हमने नाम ही रख दिया। उसका नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। ये अभी तक हमने लास्ट क्लास तक में हमने ये पढ़ा, तो यहां तक तो लास्ट क्लास का था। अब आज की क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। देखिएगा, सबसे पहले व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व लास्ट क्लास में हो चुका था। आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे। मैंने कहा था कि दो क्वेश्चन एक साथ अटैच होंगे, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले आपको इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन समझ में आ गया, जो लास्ट क्लास में पढ़ा हमने। कह भी रहा है, एन इंडिफरेंस कर्व इज लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव द कंज्यूमर सेम यूटिलिटी, मीन्स सेम सेटिस्फेक्शन। टू ड्रॉ दिस वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ प्रिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू द प्रिफरेंसेस थ्योरी, द कंज्यूमर इज एबल टू एक्सप्रेस हायर हिज हर प्रिफरेंसेस फॉर द वेरियस कॉमोडिटीज बंडल्स टू गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। द प्रेफरेंसेस फंक्शन हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड। क्लियर है जी? एग्जाम्स का मतलब यहां पर ये होता है कि आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, अगर आप ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व पे जो आपका ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा जितना, वो उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल देगा। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन लेवल देगा आपको। ये तो लास्ट क्लास तक में हमने अच्छे से समझ लिया था। ये लास्ट क्लास में टेबल, और हमने इस चीज को समझा। अगर हम टेबल को, आप टेबल कोई सा भी बना सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कि किसी स्पेसिफिक टेबल का रट्टा मारना है। मुझे बस यहां पर भी एक बात बतानी है, क्या कि अगर मैं यहां पर एक गेन कर रहा हूं तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं? 5। यहां पर एक गेन कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं? 4। यहां पर दोबारा एक गेन करा तो सेक्रीफाइस कितना करा? अब दोबारा एक गेन करा, सेक्रीफाइस कितना करा? तो इस तरीके से आपके मन में कोई टेबल आए तो अपने मन में टेबल आप डाल सकते हैं। बट जो सेक्रीफाइजिंग रेट है, जितना पहले सेक्रीफाइस किया उससे अब कम नेक्स्ट टाइम करते चले जाना सेक्रीफाइस, तो आपका ठीक है। क्लियर है जी? समझे? तो ये हमने लास्ट क्लास से पढ़ा। और इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम मैं प्लॉट करूं प्रॉपर वे में, कि मेरे पास में कम्युनिटी एक्स की अगर एक यूनिट है और वाई की कितनी है? 25 है। तो ये ए हो गया, इससे अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। और कम्युनिटी एक्स की अगर मेरे पास में 2 यूनिट है और वाई की मेरे पास में फिर कितनी हो गई? 20। तो यहां पर मेरे पास में कॉम्बिनेशन बी हो गया, तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे यहां मिलेगा सेम वही सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे यहां भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर मैंने एक कम्युनिटी का कंजम्पशन मेरे पास में ज्यादा हो रहा है तो दूसरा मेरे पास में क्या हुआ है? कम हुआ है। बात समझे या नहीं समझे? आप ए पे देखिए कितना है आपके पास में, ए पे 1 और 25, और बी पर कितना है आपका? 2 20। तो अगर आप एक का अगर आपके पास में बढ़ गया तो दूसरा क्या हुआ आपका? कम हुआ। और आप ये भी देखिएगा, अगर एक बढ़ा तो एक कम नहीं हुआ, एक बढ़ा तो 5 कम हुआ, क्योंकि एक से जितना सेटिस्फेक्शनेबल मिलेगा एक्स से वाई के अगर एक को कंपेयर करोगे तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए जितना आया उतना ही जाना चाहिए। तो
तो इसलिए एक से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला तो वाई से भी हमें उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वाई की ज्यादा यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ये बता रहा है कि अगर एक गेन करा तो दूसरे को उसी के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस भी करा, तो बताइए कहां फिर सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज होगा, वो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और सी पॉइंट पर आ जाऊं और एक्स एक और गेन कर लूं मैं, तो फिर से वाई क्या होगा, वाई को मैं फिर क्या करूंगा, वाई को मैं फिर सेक्रीफाइस करूंगा। डन, हाँ जी। तो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो जैसे जैसे हम एक गेन करते जा रहे हैं और दूसरा हम क्या करते जा रहे हैं, फिर सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेट क्या है, पहले कितना सेक्रीफाइस किया हमने, 5, अब कितना करा हमने, 4, 3 पर कितना है, 16, तो अब 4 करा, अब 4 पे कितना है हमारे पास में, 13, अब 3 करा, अब 5 पर कितना है हमारे पास में, 11, अब कितना सेक्रीफाइस करा, 2। तो हर बार उसी एक के लिए सेक्रीफाइस पहले से कम करने के लिए रेडी है, क्यों, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट हमें पहले से कम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा। ये क्लियर आपको? तो अब बताइए आप ए बी सी डी और ई पॉइंट, ये जितने भी आपके पास में कॉम्बिनेशन हैं, देखिए ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, इन सब पर अगर आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उसी के अकॉर्डिंग कम भी कर रहे हैं, तो सब पर सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होगा या इनडिफरेंट होगा, इनडिफरेंट होगा, मतलब एक समान रहेगा। तो इन सब पे सेटिस्फेक्शन लेवल इनडिफरेंट रहता है, तो इसको तो पहले हम बोलते हैं कर्व, और सेटिस्फेक्शन लेवल इनडिफरेंट है तो इसको बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे आईसी से। समझे, क्लियर है? तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देते हैं तो आपका ये कैसा बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये लास्ट क्लास तक में हमने बेसिकली मोटा मोटा हमने इस बात को समझ लिया था। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां से अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। ये वही बात कह रहा है, आपको थ्योरी लिखने में आपके लिए हेल्प रहेगी। सिंस द कंज्यूमर इज गेटिंग द सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन, ही विल बी इनडिफरेंट इन चूसिंग एनी ऑफ देम। आप एक बार बताइए क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि जो ए पर सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है और जो बी पर सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, दोनों आपका डिफरेंट है या सेम है, इनडिफरेंट है? सेम है। तो जैसे कि आप मान लीजिए एक दुकानदार आपको, आपने पैसे दिए और एक दुकानदार आपको 50 का नोट देता है, तो आप 50 के नोट को लेकर के आप ये बात नहीं करेंगे कि ये वाला नोट मत दो, वाला नोट दो, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो आप न्यूट्रल रहेंगे सिलेक्शन को लेकर के, कोई सा भी दे दो, मिलना तो उतना ही है। इसलिए यहां पर चाहे ए कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के पास आए, चाहे कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करें, चाहे सी का करें, चाहे डी का, चाहे ई का, उससे कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है हमारा, सेम है, इनडिफरेंट है। तो ये इसी बात को यहां पर कह भी रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के बता भी रहा हूं ताकि आपको पढ़ते वक्त में कुछ डाउट ना रहे। ही विल बी इनडिफरेंट इन चूजिंग एनी ऑफ देम, वो उनके चूज करने के लिए क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, कोई सा भी उसको मिल जाए। ही कैन चूज द फर्स्ट of these five combination, first unit of x and 25 unit of y, or the fourth combination, 4 unit of x and 13 unit of y, or any other combination, because each combination of x and y gives equal satisfaction. The consumer simply says that each of these five combination of x and y gives him the same satisfaction, but he does not say how much satisfaction he gets from each of the combination. If we plot these combinations of x and y on figure as shown, we will get a curve which is known as indifference curve. देखिएगा, अगर आप सबसे पहले तो आपको अगर आप ये लिख देते हैं तो ये बहुत अच्छा आपने लिखा है, ये समझे, क्लियर है जी? इसको जरा रीड करने बताइए, किसी को डाउट आएगा नहीं आएगा, समझ में आया आपको, क्लियर है कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बात इसमें पीछे की बात ये भी कह रहा है कि यहां पर हम सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको आते कि ये कौन सा अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है। ठीक है, वी रिप्रेजेंट कम्युनिटी एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस, फाइव डिफरेंट कॉम्बिनेशन एज गिवन इन द टेबल अबव द आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ई ऑन द फिगर एंड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट द कर्व विच इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व, ऑल दिस कॉम्बिनेशन आर अलाइक टू हिम एज ईच गिव्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड देयरफॉर द कंज्यूमर विल हैव नो रीजन टू प्रिफर वन कॉम्बिनेशन टू द अदर। क्लियर है बच्चे? तो अब ये सारी बातें वही कह रहा है, क्लियर है ना? कोई डाउट? तो जो आपने पढ़ा ये तो मैं इसलिए पढ़ के आपको अभी फिलहाल अभी स्टार्टिंग है तो बता रहा हूं मैं, ताकि आप घर पर इन चीजों को अपने पढ़ सकते हैं। मेरा काम क्या है? डायग्राम समझाना, टेबल समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना, चीजें क्यों आ रही है उसके पीछे कारण का बताना, और जो चीजें मैं आपसे बात करूं, जो डिस्कस करूं, वो आपकी थ्योरी में रीड करते समय में आपको दिखनी चाहिए कि सर ने ये चीजें डिस्कशन में कहा था। ये काम है। तो थ्योरी आप जो है अपना आराम से रीड कर लीजिएगा, जो डाउट होगा उसको पूछिएगा। देखिएगा ये पॉइंट जो है अंडरलाइन और नहीं तो बोल्ड हुआ है। हाँ जी, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आगे से अगर पॉइंट अंडरलाइन और बोल्ड नहीं हुआ ना तो ये देख रहे हो ऑनलाइन में खड़ा करूंगा आपको, और बच्चों का जो कसूरवार है वो बच्चों के सामने खड़ा किया जाएगा। हाँ जी, देखिएगा। चलिए अब सामने देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की मैं बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सबसे पहला समझिएगा इसका क्या मतलब है। इंडिफरेंस कर्व जैसा कि हमने बनाया है, इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके रहता है। ये तो आपके पास में हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये आपके पास में हो गया एक्स एक्सिस, और अगर आप इसको पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो ये आपका वाई, ये ओरिजन, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर आपके पास में हो गया गुड्स वाई, और एक गुड्स यहां पर आपके पास में हो गया गुड्स एक्स। बच्चे एग्जाम में ना जल्दबाजी में ये सब पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि इसके मार्क्स होते हैं, मार्क्स कटते हैं इन चीजों से, ध्यान रखिएगा। अभी भी आपका पेपर पूरा रीड नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये छोटी मोटी नजरें और आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ते ही वो बस मार्क्स देके निकलते हैं, देखा और मार्क्स दिया और निकल गए, तो पता लग जाता है कि भैया क्या बच्चे ने क्या होगा अंदर, तो पूरी रीडिंग नहीं जाती है। तो अगर आप यहीं पर अपनी खामियां जो कि साफ साफ जो ज्यादा हाईलाइट होती है ग्राफ यही दिखा दोगे तो वो थ्योरी में भी कहीं ना कहीं वो जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम देगा और मार्क्स आपका काटेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप इंडिफरेंस कर्व अगर आप बना रहे हैं तो इंडिफरेंस कर्व आपने कैसा बनाया है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनाया है, कुछ इस तरीके का। इसको इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। सबसे पहला सवाल है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है? ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ये बताता है दो चीजों के अंदर नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे सर दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी दो चीज है, मान लेते हैं यहीं पर हम एक्स और वाई, तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे और उसका अपोजिट चेंज आ रहा है, वो घट रहा है। अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इस अपोजिट रिलेशन को ही हम बोलते हैं अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन,
और हिंदी में कहते हैं विपरीत संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है, और की तो पाया जाना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है तो आप एक कम्युनिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो आपको दूसरे कम्युनिटी का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोनों में आपका जो चेंजेस हो रहा है दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा गुड्स एक्स और वाई के जब ज्यादा बंडल्स हो जाएंगे, तो जब ज्यादा गुड्स हो जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल भी हमारे पास में ज्यादा होगा। इसलिए अगर हमारे एक्स गेन करा तो हमें वाई क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोनों में देख रहे हो मूवमेंट, एक अगर इंक्रीज हुआ दूसरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इस मूवमेंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कहेंगे और इसको हम इनवर्स रिलेशन कहेंगे। और कोई भी इनवर्स रिलेशन वाला, अगर आप दो चीजों में इनवर्स रिलेशन होता है तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो ग्राफ बनता है हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डिमांड कर्व के नेचर को भी देख लो, इसमें प्राइस और डिमांड की बात होती है। और यहां पर भी इनवर्स रिलेशन होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है। तो दो चीजों में इनवर्स रिलेशन है, तो डिमांड कर्व भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। पहले एक बात आपको समझ में आई कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो होता है, बट ये क्यों होता है बात पता लगा? क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर, अगर हम मान लीजिए यहां पर x का और ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया x। अगर हम यहां पर x का कंजम्पशन बढ़ा दें, अगर हम x का कंजम्पशन बढ़ा दें, ठीक है जी, क्लियर है? तो y क्या हो जाएगा हमारे पास में, x अगर हमने बढ़ा दिया तो y क्या हो जाएगा हमारे पास में, y हमारे पास में कम हो जाएगा। तो आप यहां पर इस बात को समझिए कि एक में जिस डायरेक्शन में चेंज आया दूसरे में उसका अपोजिट चेंज आया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है। मेरी बात समझे? अब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ये बात तो आपको लास्ट क्लास में चर्चा में लेकर मैं आया था। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ऐसे आपका, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आपका ऐसे भी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आपका स्टेट भी आ सकता है, ये तो चर्चा में लेकर आया था। पर ये ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने बात आपसे कही थी कि आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर से एक्स बढ़ाते हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको कि इस बार y जितना पहले सेक्रीफाइस किया था उससे कम आप सेक्रीफाइस कर रहे हो? तो हमारा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए नेक्स्ट यूनिट पहले से कम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा हमें, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसलिए हमें सेक्रीफाइस भी पहले से कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके के शेप में क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेट डिमिनिशिंग होता है। तो इसलिए इसका जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजन भी होता है। तो पहला ये क्या कह रहा है उसको देखिए कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन अदर वर्ड्स इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड, मतलब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड को हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। एवरी इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर इन ऑर्डर टू रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर विल हैव टू रिड्यूस। देखिए क्या है, आपका मोडल्स यूज कर लिया, विल हैव टू रिड्यूस, मतलब उसको कम करना ही पड़ेगा दूसरे कम्युनिटी कंजम्पशन को अगर वो एक को बढ़ाएगा तो। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है। हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वन कम्युनिटी इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनदर कम्युनिटी। इन द एग्जाम्पल गिवन अर्लियर इफ द कंज्यूमर एड्स द सेकंड यूनिट ऑफ एक्स ही विल हैव टू गिव अप सम यूनिट ऑफ वाई। If he adds second unit of x without giving up the sum unit of y, he will have more satisfaction level, which is the inconsistent with the assumption of indifference curve. क्या कह रहा है? अगर आपने एक का gain कर लिया और दूसरे का आपने sacrifice नहीं किया तो अब आपके पास में पहले से ज्यादा goods हो जाएंगे। x तो पहले ज्यादा है, y उतना ही, तो कंपेयर करेंगे पहले एक्स वाई कितना था और अभी कितना एक्स वाई है, तो आप ज्यादा मिलेगा, तो टोटल सेटिस्फेक्शन नंबर पहले से बढ़ जाएगा। जबकि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या रखना है, सेम रखना है। इसलिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायग्राम बन जाता है। मेरी बात समझे? जब आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो डायग्राम भी बनाओ, समझे? क्लियर है? पेपर में अगर आपका स्पेस का ऊपर नीचे फर्क पड़ता है तो भैया मैं आपको कहूंगा कि पहले पॉइंट लिख के अंडरलाइन करो और पहले आप डायग्राम बना दो फिर नीचे लिखना शुरू करो आप, समझे? कैसे करना है, क्लियर है ना? उससे क्या होगा आपको कि वो पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्दी में रहते हैं चेक करने में आपके पेपर में, तो डायग्राम देखा और एक दो पॉइंट पढ़ा और मार्क्स मिल गया,
और सिर्फ आपने ये बनाया और दूसरे पेज पर डायग्राम चला गया, तो उतना वो ढूंढेंगे तरासेंगे नहीं, वो मार्क्स को दे देंगे विदाउट डायग्राम के अकॉर्डिंग। और आगे उनको डायग्राम मिल भी गया तो इतना आलस आएगा कि वो पीछे जाकर के मार्क्स को चेंज करना नहीं चाहेंगे, ये ध्यान रखना। समझे मेरी बात? छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। इको में इसलिए तो मार्क्स कम आते हैं बच्चों के, मार्क्स कम क्या आते हैं, पास ही नहीं होते हैं। हाँ जी, अगला। और इको में गलती से बैक अगर आ जाए तो खासकर सोल के अंदर, फिर अगला पेपर चेक भी नहीं करते, उनको फेल ही देना है। ये पूरा आपको एंड तक लटका के रखते हैं इको में, हर बार बच्चा गया फिर बैक फिर बैक फिर बैक, कुछ ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। इसलिए इको में गलती से बैक नहीं आनी चाहिए, फिर ये बैक तो आपको पीछे छोड़ता ही नहीं है इको वाला। हाँ जी, तो अब पॉइंट नंबर टू, हायर इंडिफरेंस कर्व आर प्रिफेर्ड, सॉरी, हायर इंडिफरेंस कर्व आर प्रेफर्ड टू लोअर वंस, मतलब कि हर कोई जो है ना ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करता है लोअर के कंपेटिवली। क्यों करता है जरा वो देखो, समझेंगे भैया इसको भी हम। मैं यहां पर भी एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं जी, ये ओरिजन है वाई एक्सिस से ग्राफ का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहां पर मैं एक जो गुड्स ले रहा हूं वो गुड्स वाई ले रहा हूं, और नीचे जो मैं गुड्स ले रहा हूं वो गुड्स एक्स ले रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर है? तो एक क्या हो गया गुड्स वाई, और एक क्या हो गया गुड्स एक्स हो गया। अब अगर अब हम यहां पर बात करते हैं, मिस्टर कह रहे सर आप डरा रहे हो जी, डराने वाली बात नहीं, सच्चाई है इस बात में, तभी तो टाइम पर लेकर के आना पड़ा कोर्स को। समझे नहीं समझे? हाँ जी, देखिएगा वाई ओ और हमारे पास में क्या है एक्स। अगर हम बात करें यहां पर इंडिफरेंस कर्व की, तो एक तो आपके पास में ये IC1 है। अब आपको भी पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। जो सबसे ऊपर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा और जो आपको सबसे नीचे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, दोनों पे सेम रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे भैया नीचे फिर एक्स भी तो ज्यादा है अगर वाई कम हो गया तो, अगर ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो एक्स कम है तो वाई ज्यादा है, और जिस अकॉर्डिंग आप गेन कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपका सेक्रीफाइस होता चला जाएगा। हर बार पीछे से कम सेक्रीफाइस होगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का भी खासकर ध्यान रखा जा रहा है। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी चले जाओ सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना दूं, इससे एक हायर बना दूं इंडिफरेंस कर्व, चलिए ये मैं बना रहा हूं आपका IC2। एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ये क्या हमारे पास में IC2। थोड़ा सा पैरेलली बनाने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर है। तो हाँ, वैसे तो पैरेलली बनता है, ये ध्यान रखना, क्यों बनता है अगली प्रॉपर्टी है। ये क्या आपके पास में IC2। अब देखिए IC1 IC2 में मैं कंपेयर कर रहा हूं एक चीज, एक एक पल के लिए इस कंपैरिजन को समझना। ये मेरा वाई और मैं, ये मेरा हो गया एक्स। तो मेरे पास में मैं कुछ भी नाम रख रहा हूं, वाई ये पी नाम रख रहा हूं इसका, इसका नाम मैं क्यू रख रहा हूं, और मैं इस पॉइंट का नाम ए रख रहा हूं। तो ए पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ ए, मैं वाई कम्युनिटी कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूं, ओपी, और मैं एक्स कम्युनिटी के कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूं, ओ क्यू, किस पर, ए पॉइंट पर। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, एक बी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, ठीक है जी। हाँ जी, अब बी पॉइंट पर मैं एक्स के वाई कम्युनिटी के कितना कंजम्पशन कर रहा हूं, ओपी, और एक्स से कितना कंजम्पशन कर रहा हूं। अब बताओ क्या ए पॉइंट पर जो मेरे पास बंडल से एक्स और वाई का, और जो बी पॉइंट पर मेरे पास में बंडल है एक्स और वाई का, वो सेम ही है या फिर डिफरेंट है? तो ज्यादा किसके पास में है, बी के पास में, क्योंकि बी के पास, ए के पास में भी आपके पास में वाई कम्युनिटी कितनी है, ओपी, और बी के पास में भी वाई कम्युनिटी कितनी है, ओपी। पर फर्क क्या है कि बी के पास में एक्स ए के कंपेटिवली ज्यादा है,
तो ज्यादा कमोडिटी किसके पास में है? बी के पास में है, तो इसका सैटिस्फेक्शन लेवल ए के इक्वल ही रहेगा या ए से ज्यादा रहेगा? तो इसलिए यहां पर आपको पता लग गया कि इसका सैटिस्फेक्शन लेवल ए से ज्यादा रहेगा। तो क्या समझ में आया आपको? हायर इंडिफरेंस कर्व, मतलब ऊंचा वाला अनादिमान वक्र, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पर आपके पास में एक्स और वाई का ज्यादा यूनिट रहेगा। तो अनादिमान वक्र जितना दूर हो ओरिजिन से, जितना ऊंचा हो आप कह सकते हो, जितना हायर हो वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो एज अ कंज्यूमर आप अगर सिलेक्शन करेंगे तो आप किस इंडिफरेंस कर्व पर रहना प्रेफर करेंगे? आप जो है लोअर वाले इंडिफरेंस कर्व पर प्रेफर करेंगे या फिर आप हायर वाले पे? हायर, क्योंकि एज अ कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहता है, ऑलवेज अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम तक लेकर के जाना। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जितना मैक्सिमम हो सकता है वो उतने मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है कि कंज्यूमर जो है हायर इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करता है कंपेरेटिवली लोअर। बात समझे? क्लियर है? अब आपको पता लगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्यों हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल देता है? क्यों देता है? क्योंकि उसके पास में कम्युनिटी ज्यादा है। प्रो कुलजीत आगे आएगा ये आपका जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, देखिएगा ये समझ में आपको आ गया? आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। अब देखिए क्या कह रहा है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। अब आइए कि क्या कह रहा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, इस बात को भी समझते हैं। आपकी क्लास में समय का पता ही लगता है, बड़ी जल्दी समय निकलता है जी। y x देखिए इंडिफरेंस कर्व, ये आपके पास में गुड्स y है और ये आपके पास में क्या है, गुड्स x है। ठीक है, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है i से। तो ये ओरिजिन की तरफ अगर आप देखोगे तो क्या है, ये उभरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मेरा सवाल है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? अगर बात सिर्फ यहीं तक है कि भैया सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है, तो एक को अगर आप गेन करोगे, एक को अगर आप गेन करोगे तो दूसरा आप सेक्रीफाइस कर बैठो, है ना? अगर आप एक को गेन करते हैं तो दूसरा आप क्या कर लो, दूसरा आप सेक्रीफाइस कर लो। तो फिर आपको बात है नेगेटिव रिलेशन तक की, कि अगर हम एक का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर हमें पहले जितना ही रखना है तो फिर दूसरे का हम डिक्रीज कर देते हैं, अगर ये सोच है आपकी तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि अगर वाई इतना और एक्स इतना, अगर आप एक गेन कर रहे हो तो दूसरा सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर आप एक गेन कर रहे हो दूसरा आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर आप एक गेन कर रहे हो दूसरा आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर आप एक गेन कर रहे हो दूसरा आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, देख रहे हो आप? तो मेरा सवाल यह है कि अगर बात नेगेटिव रिलेशन की ही है तो उसको तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि जितना सेक्रीफाइस हुआ अगली बार भी उतना ही हुआ, अगली बार भी उतना ही हुआ, अगली बार भी उतना ही हुआ, तो ये कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है। क्लियर है? तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व में जनरली ऐसा होता है क्या कि कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब हर बार उतना ही सेक्रीफाइस? आप पहले मुझे बता दें ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि इंडिफरेंस कर्व पे जो है सेक्रीफाइस कॉन्स्टेंट क्यों नहीं हो पाता है? अगर आप एक के बदले में पांच सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आप एक के रिस्पेक्ट में फाइव सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर रहे हो, फोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि हमें इतना पता है सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है तो जितना आया है उतना ही जाएगा, तभी सेम रहेगा। तो अगले से सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से सेक्रीफाइस पहले से कम करना पड़ेगा, ये आप मानते हो उस चीज को। और यहां पर सेक्रीफाइसिंग क्या है, हर बार कॉन्स्टेंट है। तो ये जो हमारे इंडिफरेंस कर्व के एक बात को तो बता रहा है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बट ये दूसरी बात को नहीं बता पा रहा है कि डिमिनिशिंग सेक्रीफाइसिंग रेट,
इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। अब बोलोगे सर किस केस में ऐसा होता है? स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट एमआरएस मतलब कांस्टेंट सैक्रिफाइसिंग रेट, किस केस में ऐसा होता है? अगली कक्षा में तो वही हमारा टॉपिक रहेगा। मैं एग्जांपल भी लूंगा, गुड्स का नाम भी लूंगा, उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा बना करके कि कब ऐसा होता है कि हर अगले को पाने के लिए उतना ही सैक्रिफाइस करा जितना पहले वाला सैक्रिफाइस किया था, हर अगले को पाने के लिए उतना ही सैक्रिफाइस करा जितना पहले वाला करा था। अब आप सोच रहे होंगे यार यहां कहां गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कहां गया यहां पर? अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा सर। समझे नहीं समझे आप? क्लियर है? तो अभी तो फिलहाल आप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन समझ लो, क्लियर है ना? तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलजीत जी। तो यहां पर ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। और डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो बताइए कॉन्वेक्स क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व टू द ओरिजिन? डिमिनिशिंग सैक्रिफाइसिंग रेट, आप सैक्रिफाइसिंग रेट को आप एमआरएस बोल सकते हो। तो डिमिनिशिंग एमआरएस, और डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये बात समझ में आया आपको? आइए पढ़ते हैं कि भैया आपकी थ्योरी में कौन सा ज्ञान बांटा जा रहा है। एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है यहां पर, फिर भी देखिए इंडिफरेंस कर्व। अगली क्लास में मैं आपको अपने टीम से मुलाकात करवाने वाला हूं, टीम, वो टीम में कौन है जो आपको सपोर्ट करता है या आप भी जानना चाह रहे होंगे? देखिएगा हाँ जी, देखिएगा इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स, ठीक है? इसका क्या मतलब है आपका? मोस्ट केसेस इंडिफरेंस कर्व आर अबाउट इनवर्स, दिस हैज टू डू विद द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये किस वजह से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है? एमआरएस की वजह से। वी नो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग अ गुड डिक्रीजिंग एज इट्स सप्लाई इंक्रीजिंग। जैसे जैसे किसी गुड्स का सप्लाई हम बढ़ाते चले जाएंगे, किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, उससे मिलने वाला हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो मार्जिन यूटिलिटी है, वो क्या होता चला जाएगा? वो डिमिनिशिंग होता चला जाएगा। शुभम वांट्स आज का क्वेश्चन, अभी ले रहा हूं शुभम मैं आपका क्वेश्चन, ठीक है? क्या है? हाँ, ये ना कॉन्वेक्स को ही हम बोलते हैं इसको, बॉर्ड इनवर्स, जो घुमा हुआ होता है, इनवर्स अंदर की तरफ घुमा हुआ है, ठीक है ना? कॉन्वेक्स को अल्टरनेट वर्ड में ऐसे भी हम बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम है कॉन्वेक्स का। वी नो दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग आर गुड्स डिक्रीजिंग एज इट्स सप्लाई इंक्रीजेस, देयरफॉर कंज्यूमर आर विलिंग टू गिव अप मोर ऑफ दिस गुड्स इन ऑर्डर टू गेट अनदर गुड ऑफ विच दे हैव लिटिल। द ग्राफ शोज दैट इफ द कंज्यूमर हैज अ लॉट ऑफ गुड वाई, द एमआरएस इज 3 यूनिट ऑफ गुड वाई पर यूनिट ऑफ गुड एक्स, इफ ही शी हैज मोर ऑफ गुड एक्स द एमआरएस इज 0.5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई पर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। इन अदर वर्ड्स इफ ही शी हैज अ लॉट ऑफ गुड वाई दे आर मोर विलिंग टू ट्रेड सम ऑफ इट ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। सिंपल सी बात है। इसके आंसर में एक इसका और भी एक हमारे पास में एक अच्छा सिंपल आंसर है, उसको थोड़ा सा मैं चेंज करके इसका आंसर लिखवाऊंगा, जिसमें कि डिमिनिशिंग एमआरएस, क्योंकि अगर डिमिनिशिंग एमआरएस नहीं लिखा आपने तो वहां पर आपके मार्क्स जाएंगे, क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा एक अपडेट करेंगे इस आंसर के अंदर, और एक अच्छा सा आंसर आपके सामने मैं इसका रखूंगा। फिलहाल आप देखिए समझिएगा थ्योरी को क्या है। देखिएगा जरा पहले क्या हो रहा है आपका, यहां पर हम बात करें तो आपके पास में ये वाई है और ये आपके पास में एक्स है और ये वाई है। जैसे ही आप x की 10 यूनिट बढ़ाते हैं तो y आपने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 30 सैक्रिफाइस कर दिया, क्लियर है? और इसी तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं तो पहले जहां y 30 सैक्रिफाइस हो रहा है, y कितना सैक्रिफाइस हो रहा है? अब y आपका 20 सैक्रिफाइस हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये देख रहे हो आप, क्लियर है? जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, समझे? तो अब आपका y पहले से कम सैक्रिफाइस हो रहा है ना, तो ये जो डिमिनिशिंग एमआरएस है इसी की वजह से क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसे घूम गया ये, ठीक है जी?
बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, सीधा लिख रहे हैं आपको, डायरेक्ट मार्क्स वहीं पक्के हैं आपके। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए इस बात को भी समझते हैं कि इसी में मैं आपको समझा देता हूं, है ना, जो दोबारा इस पर तो मुझे लेकर आना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका, इंडिफरेंस कर्व कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बात हमेशा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ये, स्ट्रेट लाइन गोज इन द नेगेटिव सर, नेसेसरी चीजों के लिए होता होगा, नेसेसरी चीजों के लिए नहीं होता है। चलिए वो तो अगली क्लास का क्वेश्चन है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसको हम पढ़ लेते हैं, फिनिश करते हैं इसको पढ़ करके हम। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब क्या है कि चलिए वो कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कभी दूसरे को काट नहीं सकता है, हम भी एक बोलेंगे भी काट भी लेगा तो क्या होगा, करके देख लेते हैं एक बार, है ना, क्लियर है। अगर फिर मैं इस ग्राफ पे भी आ जाऊंगा, पहले समझिएगा आप, ये ना सारा पूरा ग्राफ एक साथ बना हुआ है तो शायद आप देखने में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बना ही देता हूं। देखें ओरिजन वाई एक्स गुड्स वाई गुड्स एक्स, ठीक है जी। अब ध्यान देंगे क्या है ये, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो चलिए इंटरसेक्ट करके देख लेते हैं भैया, कर देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कर देंगे तो, देखते हैं भैया कौन सा पहाड़ टूटेगा, क्या नाम है उस पहाड़ का, देखिएगा। तो ये आपके पास में IC1 है, ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं अलग कलर में, एक IC2 है, मेरी बात समझे, और आप इस बात को अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी चले जाओ सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है, सेम, और दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, अलग रहेगा, हायर पे हायर रहेगा, लोअर पे लोअर रहेगा, ये दो बात तो आप समझ चुके हैं अभी तक। चलिए हम बात कर लेते हैं, कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं इसके, आप भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यो, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। चलिए ए पॉइंट पर आपको अपना एक कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, है ना, क्लियर है। अब ए पे जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल बने मिलेगा आपको पूरे IC1 पर वही मेंटेन रहेगा, जो आपको ए पर मिलेगा पूरे आईसी पर आपको वही मेंटेन रहेगा ना। मैं मान लेता हूं, यहां पे काउंट तो कर नहीं सकते ना, मैं मान लेता हूं आपको स्टार मिल रहा है इस पर, क्या मिल रहा है ए पर स्टार, तो पूरे IC1 पर क्या रहेगा, इसको उसी स्टार को तो इसी से बनाते हैं ना भैया, पूरे IC1 पर क्या रहेगा आपका स्टार रहेगा, समझे। क्योंकि आपका एक इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर एक बी पॉइंट ले लेता हूं, आप देखिए जरा, बी पर एक्स तो उतना ही है लेकिन वाई क्या है, ज्यादा है या नहीं ज्यादा है, बी पॉइंट पर एक्स तो उतना ही है वाई ज्यादा है, तो जो बंडल्स है ए पर बी पर इक्वल बंडल्स है या बी के पास ज्यादा बंडल है, तो यहां पर तो आप कह सकते हो कि बी के पास ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा, बोल सकते हो इस बात को भैया, बोल सकते हो, तो ठीक है इस पे मैं मान लेता हूं हैशटैग, और आप जानते हो इसको कि स्टार इज ग्रेटर देन, सॉरी हैशटैग इज ग्रेटर देन स्टार, ये बात समझ में आई नहीं आपको, क्लियर है, इस बात को समझते हैं आप। तो अब आप देखिएगा, तो पूरे के पूरे आपके पास में पिंक वाला, अब पूरे के पूरे आपके पास में IC2 पर क्या रहने वाला है, हैशटैग, है ना, ठीक है जी, तो यहां पर भी क्या रहेगा हैशटैग, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम आर, जरा बताओ आर पॉइंट क्या आप IC1 पर मानते हो, आर पॉइंट को IC1 पर मानते हो, है ना, तो वहां पर क्या सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है स्टार, क्या आप आर पॉइंट को IC2 पर मानते हो, आर पॉइंट को ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्या आर पॉइंट को आप IC2 पर मानते हैं, तो यहां पर क्या सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है अकॉर्डिंग टू IC2 हैशटैग, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो गया, ये आप बोल सकते हैं ना कि आर पॉइंट अगर IC2 पर है तो एक बार ये स्टार दे रहा है और एक बार ये हैशटैग दे रहा है, तो सेम इंडिफरेंस कर्व क्या दो डिफरेंट
सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। एक इंडिफरेंस कर्व दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? सेम इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व पर ऑलवेज सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है? सेम रहता है। बट यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा है? डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि आर पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं स्टार भी मिल रहा है और आर पॉइंट पर आपको हैशटैग भी मिल रहा है। तो आर पॉइंट अगर आप आईसी वन पर कंसिडर करते हैं तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर दो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल गया, या पर आईसी टू पर कंसिडर कर लेंगे तब भी एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, जबकि एक ही कर्व पर दो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी नहीं होता है इंडिफरेंस कर्व में। समझे नहीं समझे? एक बच्चा आंसर लिख रहा है क्या? दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, जो कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। क्लियर है जी? क्लियर है ना बात? समझे? क्लियर है? तो यहां पर आप इसलिए कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ये बात समझे? तो आइए उसी चीज को हम यहां पढ़ते हैं। यहां पर हमने कुछ कुछ इस तरह की चीजें लिया। आपको इन पॉइंटों पे नहीं पढ़ना भैया, पेपर है, पेपर छूट जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको, और इससे कोई मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने भी नहीं है आपके, ठीक है? तो इसलिए साथ साथ ग्राफ बनाते जा रहा हूं आप, मैं ग्राफ में आप इस तरीके से बताया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं भैया? क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहां पर हम इसके, कि जैसे आप यहां पर देखिएगा कि आपके पास में ये एक बात कहने की कोशिश भी कर रहा है कि एक बी पॉइंट दे रहा है और एक सी पॉइंट दे रहा है, और ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि बी पॉइंट पर जितना हमारे पास में वाई है और जितना हमारे पास में एक्स है, सी पॉइंट पर वाई भी ज्यादा है और एक्स भी ज्यादा है, तो बी पॉइंट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल सी पॉइंट पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं ए पर आऊंगा तो बी वाला सेटिस्फेक्शन लेवल यहां भी है और सी वाला सेटिस्फेक्शन लेवल यहां भी है, तो एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे हो सकते हैं? अगर आप ए को आईसी ए पर, ए को अगर आप आईसी टू पर मान रहे हो, तो इंडिफरेंस कर्व के एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? समझे इस बात को? तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पे इतने गुड्स, इस पे इतने गुड्स, इस पे इतने, इस पे इतने, इस पे ज्यादा, जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होगा। बार बात समझे नहीं समझे? क्लियर है जी? एक सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बट आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अगली कक्षा का समय आ चुका है। देखिए जो बच्चे भी क्लास नहीं ले रहे ना पेपर के टाइम पे, वो इसको जीरो कॉपी करवा लेंगे, इसलिए जो अभी ले रहे हैं वो आराम से इसके नॉर्मल से इसको रखते हैं। देखिएगा ड्यू के पेपर में ना एसओएल में आंसर इतने लंबे होते हैं, यकीन कीजिएगा अगर एक चैलेंज भी किया जाए, टीचर अगर आपको ये बोल दे ड्यू के पेपर में कि आपको पूरी छूट है, किताब लेके बैठो और आंसर को देख करके लिख दो, तब भी आप तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तब भी आप पांच में से तीन सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तब भी फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी स्पीड चाहिए होता है, इतना आंसर का लेंथ होता है कि अगर आप देख देख के अगर आप लिख रहे हैं ना, तो आपके टाइम डबल हो जाएगा कहीं ना कहीं। देख भी रहे हो उसको और ढूंढने का समय कंसीडर नहीं करा मैंने भाई। अब कोई बात आपको याद है आप उसको लिखो, और कोई चीज को देख करके लिखो। जो चीज आप पांच मिनट में आप याद हो रहा है चीज को लिख सकते हो, देख के लिखने में वो सात से आठ मिनट आपका ले जाएगा समय। और अगर आपको ढूंढना पड़े, और इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं वो बच्चा जो बुक को देख के लिख रहा है, तो पता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसको तो यही नहीं पता इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और कहां है। तो ढूंढना और फिर उसको देख करके उस आंसर को लिखना, लेकिन जो समझ जिसको याद है ना उसको पता है कि कितना आंसर लिखे कितना नहीं लिखे, टाइम कम बचा हुआ था इन चीजों को छोड़ सकते हैं, मेन मेन बातों को लिख सकते हैं, तो आने वाले दो क्वेश्चनों में वो थोड़ी सी अपनी तेजी को पकड़ सकते हैं, उसमें आंसर को शॉर्ट करते हुए बढ़िया आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है इस बात का कि इन चीजों को नहीं लिखा जाए। क्लियर है? तो ये इस तरह के एग्जाम्स रहते हैं आपके।
हाँ जी, नहीं दिख रहा है? खैर हमें आंसर पे जाना भी नहीं अभी, ये टीम करेगी बड़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मादर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन साथ में जोड़ा जा सकता है सवाल को, एक शानदार सवाल आपसे ये भी पूछ रहा है इसमें कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो कब हो सकता है एमआरएस। अभी तो आप डेफिनेशन समझा, जीरो कब होगा बताएं। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग, भैया इंक्रीजिंग ये कैसे हो सकता है? अगली क्लास में आप पढ़ोगे। अब देखिएगा यहां पर, ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व व्हेन द टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देख रहे हैं आप, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत होती है, ये सिर्फ आपके लिए। हाँ जी देखिएगा, ड्रो द इंडिफरेंस कर व्हेन द टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो कुछ गुड्स के एग्जांपल के साथ में बोलेगा इसका स्पेसिफिक इंडिफरेंस कर्व है जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सब जी। हम अब हैंड रेज जो कर रहे हैं शुभम जी। हाँ जी शुभम पूछिए। हेलो। हाँ हाँ शुभम बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। सर मैं मेरे को डायमंड वाटर पैराडॉक्स से क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ इस क्लास में? अच्छा सर, डायमंड एंड वाटर। हाँ जी हाँ जी सर, डायमंड एंड वाटर, डायमंड वाटर। हाँ जी सर, वो क्लास आपने ली है क्या या फिर मिस हो गई आपकी वो क्लास? आपको हाँ थोड़ा सा ही है सर, छोटा सा, तो अगर उसमें आप क्लियर कर दो तो मैं। चलिए उसको कर देता हूँ मैं क्लियर। पूछू सर? हाँ पूछिए। सर अगर जैसे आपने बोला था कि रेयरनेस पे डिपेंड करेगा कि कितना मतलब कितने प्राइस है उस कॉमोडिटी का, जैसे वाटर और आपने उसका एग्जांपल लिया, तो सर अगर जैसे कभी जरूरत पड़ती, जरूरत के टाइम पे जैसे किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, जैसे पानी है, अब पानी की अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो एक टाइम पे मतलब एक्स्ट्रा भी पे करेगा उस चीज के लिए? हाँ जी बिल्कुल करेगा, ज्यादा भी पे कर सकता है मतलब। लेकिन क्या है कि तो सर लेकिन क्या था कि ये क्या था कि अभी तक जो हमारे ओल्ड इकोनॉमिक्स थे वो यही कह रहे थे कि जो जर्नली एक जो जनरल वे में, क्योंकि देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें अजम्पशन भी हो जाती हैं। मैं पहले अपने वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स के बारे में बता देता हूँ, उसका जो आपका सवाल है ये कहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है उसके पीछे रीजन भी देता हूँ मैं। जनरली डायमंड एंड वाटर क्या था पैराडॉक्स, ओल्ड जो इकोनॉमिक्स थे वो अब तक यही कहते आ रहे थे कि जो जनरली किसी गुड्स की जो प्राइस है, उसकी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसकी यूजफुल पर डिपेंड होता है। जो ज्यादा यूजफुल है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, वो हमें हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। तो ये ओल्ड इकोनॉमिक्स अभी तक ऐसा मानते आ रहे थे। लेकिन जो है जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने इस बात को रखा कि जी अगर ऐसा ही है तो आप जरा एक बार बताइए कि वाटर कितना यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन उसकी वैल्यू कम है, जबकि डायमंड हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जिसकी जो सबसे कम यूजफुल है हमारे लिए वो सबसे ज्यादा फिर महंगा क्यों है, और जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो सबसे सस्ता क्यों है हमारे लिए? तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो बेसिकली हम प्राइस किसी चीज का डेवलप होता है या वैल्यू किसी चीज की क्रिएट होती है या महत्व किसी चीज का, इंपॉर्टेंस किसी चीज का क्रिएट होता है, वो उसकी अवेलेबिलिटी पे होता है, कौन चीज कितनी अवेलेबल है। जो ज्यादा अवेलेबल रहेगा उसके जो है उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्राइस, उसका वैल्यू आपके पास में क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो चीजें आपके पास में कम है उसकी इंपॉर्टेंस आपके पास में हमेशा ज्यादा रहेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आम का बगीचा अगर आपके पास में है, एक आम एक कितना भी अच्छा फल क्यों ना हो, लेकिन आम का बगीचा अगर आपके पास में है तो आम को लेकर के आपके इंपॉर्टेंस आपके पास में कम रहेगी और आइसक्रीम की इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दोगे। और ऐसे एक आइसक्रीम वाला है, उसके लिए आइसक्रीम की इंपॉर्टेंस कम रहेगी, वो एक आम को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता हुआ नजर आएगा। तो जो चीज हमारे पास में स्केयर होती है, रेयर होती है, उसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। क्यों क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि उसको हमने कम यूज किया हुआ होता है, और जिस चीज को हमने जितना कम यूज किया हुआ होता है उससे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही हाई रहता है। तो इसके पीछे ये रीजन है, क्लियर है? लेकिन कई बार कुछ चीजों कुछ
कुछ केसेस के अंदर आपने मुझे सवाल पूछा, लेकिन अगर वाटर हमारे लिए, अगर आप कह रहे हैं कि वाटर बहुत सस्ता है, जब हमें हमारे पास में पानी प्यास लग रही है और हमारे पास में पानी दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो उसी एक ग्लास पानी को हम 1 लाख रुपए में खरीदेंगे, आप ऐसा कह रहे हो, है ना? तो ये एक रेयर केसेस हो गया, आपने एक सिचुएशन में जाकर के आपने पूछा है कि इस सिचुएशन में तो वाटर बहुत महंगा हो गया है, बट यहाँ पर बात एक जो है डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं कर रहा है, ये एक जनरल बात कर रहा है कि जनरली किस चीज की प्राइस ज्यादा रहती है और किसकी प्राइस कम रहती है। और जो आप कह रहे हो कि स्पेसिफिक सिचुएशन में ले जाके पूछ रहे हो, इसमें तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि इसमें तो भैया पानी हीरे से ज्यादा महंगा चला जाएगा। तो ऐसे तो लो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी कई जगह लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने आइसक्रीम कंज्यूम किया और नेक्स्ट टाइम आपने थोड़ा सा मिर्ची खाया और फिर आइसक्रीम कंज्यूम किया, आप बोलोगे नहीं सेकंड आइसक्रीम से कम मजा आ रहा है, आप तो बोलोगे कि भाई सेकंड से तो मुझे पहले से ज्यादा मजा आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही प्यास लग रही है, एक चम्मच पानी पिया, दूसरी चम्मच भी पानी पिया, अब बोलोगे दूसरी चम्मच से तो यार आत्मा और तृप्त हो गई, तो सर्वेक्षण यहां तक गिरा तो नहीं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्पेसिफिक सिचुएशन में डाल दोगे, जो जो लॉ है, जो जो यूनिवर्सल लॉ है, वो वहां पर अप्लाई नहीं होता है। Okay, हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट किन का डाउट है जी, पूछिए। किसी का डाउट है तो हैंड रेस कर लें। चलिए फिर अगली कक्षा में करें मुलाकात, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक शानदार और अच्छे टॉपिक के साथ में। सचिन अरोड़ा, हाँ जी सचिन अरोड़ा बोलिए जी। हाँ जी सचिन बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। सर जो आपने अभी समझाया कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कि सर स्ट्रेट लाइन तो नेगेटिव में भी जा सकती है, तो इसलिए भी ये एक रीजन हो सकता है कि वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब नेगेटिव सेटिस्फेक्शन लेवल का नहीं है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हर बार आप उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हो जो आपने लास्ट टाइम किया था। मतलब जब आपका सेक्रीफाइजिंग रेट कांस्टेंट होता है, लाइक पहले आपने एक एप्पल के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस किया, तो नेक्स्ट टाइम भी आप एक एप्पल के लिए 5 बनाना ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम भी एक एप्पल के लिए 5 बनाना ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, इस मतलब कि हर बार सेक्रीफाइजिंग रेट आपका क्या हो, गिर रहा हो, सेम हो, कॉन्स्टेंट हो, ठीक है? कॉन्स्टेंट में तो स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी, डिमिनिशिंग में कॉन्वेक्स बनेगा। कॉन्वेक्स बनेगा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, 1 2 3 4 5 और मेरे पास में 20 है, मेरा से 15 हो गया, मेरे पास में 10 हो गया, मेरे पास में 5 हो गया, कुछ इस तरीके का। हर बार मैंने कितना सेक्रीफाइस करा, 5 यूनिट करा, कितना करा मैंने 5 यूनिट, तो जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेट है वो क्या है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो है इंडिफरेंस का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन एप्पल बनाना है कि इसमें नहीं बनेगा, उसका भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, किस सिचुएशन में ऐसा होता है जहां पर जितना हम पीछे सेक्रीफाइस कराए अगला भी उतना ही हम सेक्रीफाइस आगे भी करेंगे। जनरल बातें नहीं है, जनरली तो कभी होगा नहीं, जनरली तो डिमिनिशिंग ही रहता है, बट एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कहां पर क्यों हम हर बार अगली बार पीछे के बराबरी सेक्रीफाइस करते हैं, वो सिचुएशन है। सर नेगेटिव भी कभी होता है? नेगेटिव किस चीज के बाद, सेटिस्फेक्शन लेवल? यस सर, आईसी कर्व। नहीं नहीं, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास का टाइम है। सचिन अरोड़ा, आपका एक रिक्वेस्ट है, सचिन का तो हो गया, अक्षय का है, अक्षय बोलिए, जल्दी बोलिए सर। हाँ जी, एक बारी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व बता दीजिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में कौन सी प्रॉपर्टी सर, जो सबसे फर्स्ट आपने बताई थी? अच्छा ठीक, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में टाइम दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे सबसे पहले आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है ना?